गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और आज गाड़ी की डिलीवरी से पहले हम जो एक एसेसरीज ले रहे हैं वो एसेसरीज हम ले रहे हैं। फाइनली हम अपनी सेंटर लॉकिंग इंस्टॉल करवा रहे हैं शोरूम से ही। उसका बेसिक एक रीज़न ये है कि अगर आप उसको बाहर से कहीं से लेते हैं तो थोड़ा सा क्वालिटी में हम मान सकते हैं उसकी क्वालिटी कंटेंट कम हो जाते हैं। तो एक ये रिलायबल सोर्स है शोरूम जहाँ से आप सेंटर लॉकिंग लगवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें करना कुछ नहीं है, बोनट्स खोलना है और अंदर से उसको कनेक्ट करना है। और किस तरीके से सेंटर लॉकिंग की जाती है वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर गाड़ी के अंदर। और कैसे लगेगी सेंटर लॉकिंग, क्या क्या फंक्शन रहेंगे, डोर अनलॉक होगा उसके अंदर और उसके अंदर रिमोट सायरन होगा, साउंड होगा आपकी लॉक अनलॉक में किस तरीके से होगा, क्या चीज़ फीचर्स होंगे, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये सभी आपको बताने वाले हैं यहाँ गाड़ी में सेंटर लॉकिंग हम लगवा कर। क्योंकि मार्केट आफ्टर मार्केट अगर आप सेंटर लॉकिंग लगवाते हो तो वो उतनी रिलायबल नहीं है जो क्वालिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है सेंटर लॉकिंग की शोरूम पर। तो गाइज़ ये कुछ इस तरीके से ये बॉक्स है मारुति कंपनी से, सिक्योरिटी सिस्टम जो है ये इग्निस का यहाँ पर इस तरीके से आपको मिलता है। इसको अभी इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अनबॉक्सिंग हो रही है सेंटर लॉकिंग की। इस तरीके का ये सायरन होता है जो साउंड करता है। और ये जो स्विच अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, ये स्विच है वो स्विच कुछ इस तरीके का, ये स्विच जो है ये अंदर लगता है, ये गाड़ी के अंदर ये स्विच लगता है। और अब इसको इंस्टॉल करते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये लॉक लगाया जा रहा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। और कंप्लीट किस तरीके से ये इंस्टॉल किया जाएगा गाड़ी में ये आपको बताया जाएगा। तो गाइस ये जो एंटी थेफ्ट यहाँ पर ये लॉकिंग लगाई जा रही है, अगर ज़बरदस्ती कोई बोनट को खोलने की कोशिश करेगा तो ये जो लॉक है ये लॉक यहाँ से टूट जाएगा, खुल जाएगा और सायरन बजने लगेगा। ज़बरदस्ती बोनट खोलने पर ये एक्टिविटी होगी और सायरन बजेगा। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यूनिट जो आप मेरे पास देखिए, एक्चुअली इट्स अ ब्रेन ऑफ सेंटर लॉकिंग, ये सेंटर लॉकिंग का ब्रेन है। इसके अंदर दो रिमोट आपको मिल जाते हैं और ये एक कम्प्लीटली रिलायबल मारुति की तरफ से जो ये मिलता है आपको, इस ये फैसिलिटी आपको आफ्टर मार्केट नहीं मिलेगी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम ये जो हमारा सेंटर लॉकिंग है वो शोरूम से ही लगवाएं। सो गाइस ये जो एंटी थेफ्ट लीवर है इसको इंस्टॉल किया जा रहा है और ब्रेन जो है इसका हमारे सेंटर लॉकिंग का वो निकाल लिया गया है। कुछ इस तरीके से दिखता है, मैं आपको बता दूँ कुछ इस तरीके से ये ब्रेन दिखता है और कुछ इस तरीके से ये इंस्टॉल किया जा रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ये जो एंटी थेफ्ट ये लॉक सिस्टम है ये आपको आफ्टर मार्केट में नहीं मिलता है। तो सो रिलायबल सोर्स है, आपको सेंटर लॉकिंग यहीं से लगवाना चाहिए। सायरन को अब इंस्टॉल किया जा रहा है, ये देखिए कुछ इस तरीके से सायरन को इंस्टॉल किया जा रहा है। ये अंदर इसका यूनिट फिट हो चुका है, यूनिट इसका यहाँ पे फिट हो चुका है अंदर, ठीक है। अंदर जो नट बोल्ट है, जो ब्रेन है इसका, यूनिट आपने अंदर इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। ये स्विच लग गया, ये स्विच का यूज क्या है इसका, पीछे कपलर टू कपलर है, कपलर टू कपलर स्विच है ये, कोई वायर कटिंग नहीं करनी पड़ी इसमें, कटिंग नहीं करनी पड़ी, ठीक है। इसका जो अलार्म सिस्टम है वो यहाँ से है जी, ठीक है। तो ये गाइस यहाँ पे सेटअप कर दिया गया है, ये देखिए ये लग चुका है, यहाँ पे सेंटर लॉकिंग का ब्रेन भी सेट कर दिया है। ये इसके रिमोट है, ये इसके रिमोट, गाड़ी लॉक अनलॉक होगी, गाड़ी लॉक अनलॉक होने का रिमोट, गाड़ी के रिमोट है इससे गाड़ी लॉक अनलॉक होगी। अच्छा गाड़ी के ये रिमोट है जो, और गाड़ी अभी अनलॉक अनलॉक होगी, अभी आपको सिस्टम करके दिखाते हैं किस तरीके से ये लग चुका है। देखिए कितने अच्छे तरीके से बहुत सफाई से कंपनी की तरफ से जो ये लगाया गया है सेंटर लॉकिंग, ये बहुत रिलायबल है शोरूम से लगवाने में। तो बताते हैं किस तरीके से काम करता है। इस आज के जो सेंटर लॉकिंग का जो मेन एपिसोड है ये आपको बताने का सिर्फ इतना सा रीज़न है कि जैसे ये जो फेंडर आप देख रहे हैं, अगर चोर कोई कभी इस फेंडर को यहाँ से ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करता है और यहाँ से अगर मान लीजिए ये अगर यहाँ पर भी जो अगर यहाँ से अंदर से हाथ डालकर फेंडर को खोलने की कोशिश करता है तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे जो सॉकेट लगाया गया है वो सॉकेट खुल जाएगा, ज़बरदस्ती बोनट खोलने पर वो खुल जाएगा और उससे क्या होगा कि सायरन बजना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चीज़ यहाँ पर शोरूम में आपको मिल जाती है ये आफ्टर मार्केट आपको नहीं मिलती है, एक बहुत अच्छा जो फीचर ये है। और बाकी गाड़ी के यहाँ पर जो रिलायबिलिटी है वो यही है कि हम आपको सिर्फ यही सजेस्ट करेंगे कि आप जो लॉक सेंटर लॉकिंग है ये आप शोरूम से ही लगवाएं।
और बेस्ट पार्ट जो इसका ये है गाइज, ये इसका हमारे पास रिमोट है, और बेस्ट पार्ट सिर्फ इतना से है कि 10 मिनट्स के अंदर यहाँ आपको शोरूम में कंपनी में यहाँ से इंस्टॉल करके देते हैं, कपलर टू कपलर, कोई वायर कटिंग नहीं होती, कोई डोर पैड नहीं खुलते किसी तरह के, जो आफ्टर मार्केट में होता है डोर पैड खोले जाते, कुछ नहीं किया गया, सिर्फ बोनट में एक सॉकेट लगाया गया, यहाँ से ये जो आपका डोर है इस डोर को खोलकर इस जगह से यहाँ पर ये इंस्टॉल किया गया है, ये यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से हमारा सिस्टम पूरा, जो मेमोरी है, मेमोरी जो हमारी इसकी सेंट्रल लॉकिंग की मेमोरी है वो भी यहाँ पर लगाई गई, जस्ट कपलर टू कपलर। तो ये एक इस तरीके से यहाँ पर बहुत इजी वे में इंस्टॉल किया गया। मारुति का वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है, बहुत अच्छे यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं हम आपको बता रहे हैं। और चलिए लेट्स इसको चेकआउट करते हैं, लॉक अनलॉक को, गाड़ी को हम अभी लॉक करते हैं। तो गाड़ी देखिए अभी ये लॉक हो चुकी है, लेट्स चेक आउट करते हैं इसको। ये गाड़ी आपकी लॉक हो चुकी है, अब इसको अनलॉक करते हैं गाड़ी को। ये गाड़ी देखिए अब अनलॉक हो चुकी है कुछ इस तरीके से। तो गाइज एक जो आज के व्लॉग में, आज के वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो जस्ट आपको यही बताने के लिए कि आप यदि अपनी गाड़ी को लेते हैं तो कम से कम आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है, एक रिलायबल सेंटर लॉकिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी गाड़ी को चोरी होने से बचाने के लिए, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और एक रिलायबल आपको इसके अंदर जो सेंटर लॉकिंग है लगवानी चाहिए। जस्ट शोरूम से थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हम एक अच्छी चीज़ को खो सकते हैं, जो हमारी मानना है कि हमने ये इंस्टॉल करवाया है शोरूम से ही। तो गाइज ऐसी ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लेके आएंगे, हम क्या क्या एसेसरीज गाड़ी की लगवाते हैं, क्या क्या हम शोरूम से लगवाते हैं, क्या आफ्टर मार्केट लगवाते हैं, हमारी इस सीरीज़ में आपको पूरी सीरीज़ आपको देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बने रहें हमारी प्लेलिस्ट में, जिससे आपको पता लगता रहेगा हमने जो ये बेस मॉडल लिया है सिग्मा मॉडल, इसको हम इंडिया नंबर वन मॉडिफाई करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि इसमें बेस्ट मॉडिफिकेशंस क्या हो सकती हैं, क्या इसके हमें मज़े की राइड मिलती है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, और हमारी कितनी कॉस्ट आती है इसको मॉडिफाई करने में और टॉप मॉडल के लेवल में बनाने में। तो ऐसी मॉडिफाई गाड़ी आपको नहीं देखने को मिलेगी, ये हम आपको बता रहे हैं। और गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे कुछ और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो, गाड़ी की डिलीवरी के लेकर एसेसरीज के सभी पार्ट हम आपको शेयर करेंगे। तो गाइस आज की ये वीडियो हमारी, जो हमारे सेंटर लॉकिंग की वीडियो है, ये आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएँ, आपको जो जानकारी मिली हमने आपके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई ज़रूर बताएं हमें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।